दिखाइए। ये वाला नकली सिक्का ही, ये वाला क्यों नकली है? ये वाला, ये वाला यूँ नकली है खींची कर रही गांजे, तुम कोई लेते ना हम पे तो लेता नहीं है कोई, इसलिए तुम भी नहीं लेते? हम तो ले रहे हैं, हम पे ना कोई ले रहा। आपसे कोई नहीं ले रहा है? ना ले रहो। अच्छा, क्या कहते हैं? नहीं कहता जो कहता है नकली सिक्का ला ला, हम जाते सिकंदरा भरे जाते भोचड़ी के 15 रुपए देते, 15 रुपए में जय सिक्का देते हैं मैच की। लड़ाई हो जाती होगी फिर? लड़ाई पूरे तोते होते हैं भाई, रोज लड़ता है मैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हुए हैं सिकंदरा चौराहे पे, हम अभी आगरा में। तो ये आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ और स्पेशली आगरा या मथुरा की बात करूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के जो 10 रुपये के सिक्के हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जिस पे रुपी का साइन नहीं है, और ये 1 रुपये का जो छोटा सिक्का है, जो क्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो लेते नहीं है, मतलब यहाँ से चलन से बाहर कर दिए लोगों ने एक तरीके से। लोगों में गलत फहमी है कि 10 के जो सिक्के हैं और 1 का ये छोटा वाला सिक्का है ये नकली हैं, और 10 का केवल ये वाला जो सिक्का है वही असली है जिस पे रुपी का साइन है। तो पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कौन से असली है कौन से नकली है, फिर जो पब्लिक पीछे खड़ी है और जो ऑटो वाले भैया हैं उन्हें हम समझाएंगे कि कौन से सिक्के असली हैं कौन से नकली हैं। पूरी डिटेल में सब कुछ बताएंगे, उनका रिव्यू भी लेंगे, वो क्या बोलते हैं कौन से सिक्के असली हैं कौन से सिक्के नकली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सारे सिक्के हैं वो सारे ही सिक्के असली हैं, कोई भी सिक्का है वो नकली नहीं है। और RBI ने ये भी बोला है अगर कोई नहीं लेता तो उसे दंडित किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रुपी का साइन है ना, वो जो रुपी का साइन है 15 जुलाई 2010 को लॉन्च किया गया था। अब क्या है, 15 जुलाई 2010 से पहले के जो सिक्के थे, जो कि ये मेरे पास सिक्का है, ये सिक्का देखिए 2009 का है, आपको मैं फोकस करके दिखाता हूँ। ये सिक्का है जो देखिए, जो ये सिक्का है ये 2009 का है, और रुपी का साइन जो लॉन्च हुआ था वो 15 जुलाई 2010 को हुआ था। तो 2010 से पहले के जो सिक्के हैं ना, उन पे रुपी का साइन नहीं है, वो इस तरीके के हैं, इस तरीके के, ओके। और 2010 के बाद जो सिक्के लॉन्च हुए हैं उन पे रुपी का साइन है, ओके। और जो 1 रुपये का सिक्का, इसे भी लोग लेते नहीं हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सारे सिक्के असली हैं। अब लोगों से पूछते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कौन से सिक्के कौन से असली हैं कौन से नकली हैं। तो चलिए, अब पीछे लोग खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं एक एक करके। हेलो भैया, हेलो भैया, आप मुझे बताना चाहेंगे इसमें से कौन सा सिक्का असली है कौन सा नकली है? ये मेरे पास 3 सिक्के हैं, आप सिक्के एक एक करके पहले दिखा दीजिए कैमरा में कौन कौन से सिक्के मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो मैं एक सिक्का इन्हें दिखा रहा हूँ जिस पर रुपी का साइन नहीं है, जो 10 रुपये का है, जो पकड़िएगा, जो इस तरीके का है, जो 2010 से पहले लॉन्च हुआ गया था, इस पर रुपी का साइन नहीं है। और जो मैं एक सिक्का दिखा रहा हूँ वो रुपी का साइन लॉन्च होने के बाद का दिखा रहा हूँ। देखिए, इस पर रुपी का साइन है और ये 1 रुपये का सिक्का है। अभी इतने सारे लोग हैं, मैं इनसे ये पूछूंगा कि कौन से सिक्के असली हैं कौन से नकली हैं, और इन्हें बाद में जानकारी भी दूंगा कि क्या पूरा सीन है। तो भैया आप बताइए इसमें से कौन से सिक्के असली हैं कौन से नकली हैं? सिक्के सारे असली हैं। सारे सिक्के असली हैं? असली है। कौन सा नकली है? एक मिनट, कौन सा नकली है भैया? ये वाला नकली है। तो भैया ये वाला सिक्का नकली बता रहे हैं? हमारे यहाँ चलता नहीं है। ओके, कहाँ पे नहीं चलता भैया सिक्का? सिकंदरा आगरा मथुरा में आप जाते होंगे तो नहीं चलता है। अच्छा, मैं तो कोई सिक्का लेता ही नहीं है मथुरा में। कोई सिक्का नहीं लेता है? क्यों नहीं लेता है मथुरा में कोई सिक्का? ये जानकारी नहीं है, मथुरा में कोई भी किसी भी प्रकार का एक भी सिक्का नहीं लेता। अच्छा, 10 का सिक्का लेते ही नहीं चलता है। अच्छा, फरे तक चलता है, फरे से आगे 10 का सिक्का नहीं चलता है। चलिए और अंकल को दिए, उनसे पूछते हैं, अंकल ये इसमें कौन सा सिक्का असली है कौन सा नकली है बताइएगा? ये सिक्का है, अंकल ये नकली बता रहे हैं क्योंकि इसमें 10 रुपये का साइन नहीं है। क्यों नकली है ये? अच्छा, और असली कौन सा है? ये असली बता रहे हैं क्योंकि इस पे 10 रुपये के रुपी, इस पे रुपी का साइन है, इसलिए ये असली बता रहे हैं, और जिस पे रुपी का साइन है नकली बता रहे हैं। और 1 रुपये इस सिक्के को तो कोई लेता ही नहीं। क्यों नहीं लेता है? पता ही नहीं सब, क्यों नहीं लेता है? जब बनिया लोग नहीं लेते तो आम आदमी नहीं लेता है। अच्छा, मतलब लोग नहीं लेते इसलिए आप ऑटो वाले भी इस सिक्के को नहीं लेते हैं, वरना आपको कोई परेशानी नहीं है लेने में? जब कोई हमसे कोई लेगा ही नहीं तो हमें तो परेशानी बढ़ेगी। तो इससे तकलीफ क्या होती है, मतलब आप लोगों को जो सिक्के अगर ये लेते नहीं है? कोई तकलीफ दुकानदार नहीं लेते हैं। अच्छा, दुकानदार लेते नहीं है? कोई सवारी लेती है ना। अच्छा, आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज बता देता हूँ कि जो रुपी का साइन है मैं सही तरह आपको पूरा बताता हूँ। देखिए क्या है, जो ये साइन है आप इसे असली सिक्का बोलते हैं, इस वाले सिक्के को ये असली बोलते हैं, और इस वाले सिक्के को ये नकली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पे ये रुपी वाला साइन ये बना नहीं है, इसलिए नकली बोलते हैं आप इसे। आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा, 15 जुलाई 2010 में ये वाला साइन लॉन्च हुआ था। तो 15 जुलाई 2010 से पहले के सिक्के उसमें ये वाला साइन है नहीं है। सिक्के सारे असली, कोई भी सिक्का नकली नहीं है। सही है?
ये केवल एक बहम फैला दिया गया है पूरे लोगों में कि ये सिक्के असली हैं नकली हैं। और एक एक दुकानदार नहीं लेते, एक का सिक्का क्यों नहीं लेते लोग, ये बताइए। ऐसा है, ये जैन लोग जो होते हैं, जो बंदे होते हैं, दुकानदार जो लोग होते हैं, ये लोग क्या है कि इन सिक्कों को बंद कर दिए, बंद कर दिए। हाँ, क्या बोले, ये सिक्का छोटा, ये चलता नहीं है। अच्छा, ऐसा भी एक बार अखबार में निकला था, मैंने पढ़ा था, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 10 का सिक्का 5 रुपए में ले लेते हैं आप लोगों से। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ओके, चलिए, और लोग पीछे बैठे हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं थोड़े से, जो आग में ताप रहे हैं। हेलो भैया, एक चीज, एक प्रश्न पूछना है, इसमें से कौन सा सिक्का असली है, कौन सा नकली है, आप बता सकते हैं क्या? तो मैंने इन लोगों को अपने जो सिक्के हैं वो दे दिए हैं। सिक्का मैंने तीन दिए, 3 सिक्के दिए हैं, 2 10 के और 1 1 का। कौन सा सिक्का असली है, कौन सा नकली है? असली है। अच्छा, और जेहू असली है। अच्छा, ये सिक्का जामे नकली है। ये सिक्का कौन सा नकली है, एक बार अच्छी तरह दिखाइए। ये वाला नकली सिक्का है, ये वाला। क्यों नकली है ये वाला? ये वाला यूं नकली है कि जापा जी दुआ लगी थी कर रही कांजन में, कोई लेतु ना हम पे, तो लेता नहीं है कोई, इसलिए तुम भी नहीं लेते। हम तो ले रहे, हम पे ना कोई ले रहा। आपसे कोई नहीं ले रहा है? ना ले रहो। अच्छा, क्या कहते हैं? नहीं कत्ता जो कहता है नकली सिक्का ला ला बनाते सिकंदरा भरा जाता है भोचड़ी के 15 रुपए देते हैं, तो 15 रुपए में जय सिक्का देते हैं। मैं की लड़ाई हो जाती होगी फिर? लड़ाई पूरा तो होते हैं भाई, रोज लड़ता है मैं चौदंती। अच्छा, चलिए, इसका समाधान होगा, सरकार को बताया जाएगा, सरकार बताएगी। अरे तुरंत बता दो बात की खबर, दिल्ली तक पहुँचाओ। दिल्ली, दिल्ली तक ही पहुँचेगी। मथुरा में कोई सिक्का नहीं चलता, इसमें से आप ये कह रहे हैं? राजस्थान में कोई सिक्का नहीं लेता इनमें से। राजस्थान में भी नहीं चलता, सिक्का नहीं लेता इनमें, सिक्का तो ये पकड़ेगा नहीं। मथुरा हरियाणा राजस्थान में कोई नहीं लेता यहाँ से। अच्छा अच्छा, आप लोगों को भी एक जानकारी दे दे रहा, मैंने इधर दी थी, ये सारे सिक्के असली है, कोई सा भी सिक्का नकली नहीं है, पहली बात। ओके, अब इसमें क्या है कि ये वाला जो चिन्ह बनाया ना, ये रुपी वाला, ये 2010 में लॉन्च हुआ था, जारी हुआ था 2010 में। पर दुकानदार कोई लेता ही नहीं है, तो हम लेके क्या करेंगे? तो एक बार बताना जरूरी है, लोग नकली बोल रहे हैं उसे, नकली नहीं, ये बोल रहे हैं कि लोग ले नहीं रहे, ये बोलना। हाँ, नकली कोई नहीं है। तो 2010 से पहले का जो सिक्का बना है उसमें वो वाला साइन है ही नहीं है। ये डाई का फर्क है वैसे। ये नकली, आप नकली कह रहे हैं इस सिक्के को, ये नकली कह रहे हैं? हाँ, नकली है, मुझे दो सिक्का। नकली कोई नहीं है इसमें, नकली है। हाँ, यही चीज। अरे रुको रुको भैया, यही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि ये अफवाह फैला दी गई है कि नकली है और कोई ले नहीं रहा है इसे। हम जा रहे हैं तुरंत, जा लेके दुकान पे। हाँ, आ जाओ, सामान लेंगे। हाँ, चलो लेके पूछते हैं, चलो आप ही चलो, दुकानदार अभी जो देगा, आप बाद में जाना। यही का हूँ मैं, आगरा का। आगरे का था, अब पता दे दे मुझे क्यों। एक पेट्रोल पंप पे डीजल के, डीजल पलटवा लो, सिक्का 10 के नहीं लाई। अभी आपसे बात करता हूँ, आगे पूरी कराऊँ, उसके बाद एक सिक्का और आ गया, और आ गया। अच्छा, चलो पुलिस आ, चलते दुकान पे, सौदा लेते हैं भैया, तो देखते हैं कि सामान मिलता है या नहीं मिलता। असली भैया सिक्का, नकली है ये सिक्का? हाँ भैया, ऐसे कह नहीं सकते, लेकिन सब ऐसे नकली बताते हैं भाई। नकली क्या बताते हैं? पता नहीं है, जैसे 2 डंडे हैं और इस पे और ये। अच्छा अच्छा नकली है। अच्छा अच्छा, चलिए दुकान से सामान लेके देखिए भैया, लेते हैं या नहीं लेते हैं। अब खोलना मत सामान, मुझ पे इतने पैसे नहीं कि दे सकूँ किसी पे। लौटा देंगे सामान, देख के बता देंगे भाई। जरा इस नोट को बताओ, हम लेते नहीं है, और मथुरा में तो बिल्कुल ही नहीं लेते कोई भी। अब ये बताओ क्यों नहीं लेते, इसकी वजह बताओ आप पहले। हम तो ये पूछना चाहेंगे, इस सिक्के में गोल्ड और मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पूछ रहे हैं। ये 10 का सिक्का असली है कि नकली, आप गोल्ड और देंगे या नहीं देंगे? सरकारी तरफ से असली है, सरकार की तरफ से असली है, तो इसलिए आप अभी लेंगे या नहीं लेंगे? आप सिक्के को लेंगे या नहीं लेंगे? गोल्ड और हमें देंगे या नहीं देंगे? मुझे बिस्कुट लेना है, 1 5 रुपए का। हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ, लाओ करो। हाँ, आप मथुरा में जाके पूछिए कि कोई व्यक्ति क्यों नहीं लेता है ये सिक्का। हाँ, तो जब भी तो हम आपके पास आए हैं, क्यों नहीं लेता? आप सरकार से पूछिए और किसी से पूछिए कि मथुरा में ये सिक्का क्यों नहीं लिया जाता है। तो कोई नहीं लेगा, तो ये क्या बताइए। हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, लोग नहीं लेते। हम लेंगे तो अगर हमारी जेब में 100 रुपए, अगर हमें आवश्यकता पड़ी किसी चीज की, तो अगर वहाँ व्यक्ति नहीं ले रहा है तो क्या करेंगे हम? सही बात है, सही बात है, क्या करेंगे बताइए आप। चलिए आगे, आपकी
चीजें आगे पहुंचाई जाएगी और लोगों को अवगत कराया जाएगा। जी बिल्कुल पहुंचाएगी। और आरबीआई है, आरबीआई के हेड ऑफिस में भी पहुंचाई जाएगी ये वीडियो। इसका सिक्का आपके हरियाणा में बॉर्डर से घुसोगे कोई सिक्का नहीं लेता है, कोई भी सिक्के को, कोई भी आप चले जाओ 20 रुपए का दीवानी पे चले जाओ, कहीं पे चले जाओ नहीं लेता, उसका सिक्का नहीं लेता है। चलिए वो ये कर रहा हूँ, ओके धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि जो जितने भी लोग थे यहाँ पे वो बोल रहे थे 10 के सिक्के लेते नहीं है, राजस्थान में नहीं लेते और हरियाणा बॉर्डर में घुसेंगे वहाँ नहीं लेते, मथुरा में नहीं लेते, आगरा में नहीं लेते हैं। तो कुछ दुकान वालों से हमने सामान खरीदने की कोशिश करी, वो सामान देंगे या नहीं देंगे आपको दिखाई दे रही है। तो वहाँ पे हमने कुछ सामान खरीदने की कोशिश करी थी, जैसे कि आपने देखा वहाँ पे वो दुकानदार ये बोल रहे थे वो सिक्के इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कि एक भ्रम फैला दिया गया, एक अफवाह फैलाई दी गई कि 10 के सारे सिक्के नकली हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा इसके पीछे कारण यही है कि 2010 से पहले के जो सिक्के हैं उन पर रुपी का साइन इसलिए नहीं है क्योंकि रुपी का साइन जब तक लॉन्च ही नहीं हुआ था, इसलिए 10 के सिक्के पे वो साइन नहीं है। सो धन्यवाद भैया। तो अब चलते हैं, थोड़ा पुलिस से भी रिव्यू लेते हैं। पास में एक थाना है तो थाने में चल के हम पूछते हैं कि पुलिस अधीक्षक को ये जानकारी है या नहीं है। तो चलिए धन्यवाद। सो दोस्तों अभी आप जो पीछे मेरे पीछे देख रहे हैं कोतवाली सिकंदरा में, अभी इसमें थाने अध्यक्ष जी हैं जो अरविंद कुमार जी हैं, उनसे पूछने गया था कि सर आप कुछ बाइट देना चाहेंगे कि जो सिक्के चलते नहीं हैं, बट उन्होंने देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आप सीओ के पास जाइए, वही बाइट दे सकते हैं, गैजेटेड ऑफिसर को ही बाइट देने का, मतलब इस 10 रुपये के जो सिक्के ले नहीं रहे उस पर देने का अधिकार उन्हीं को है, हमको नहीं है। तो आप वहीं से संपर्क करिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो आगे वाले समय में आगे मैं जो सीओ के पास जाऊंगा उनसे पूछूं, उन्हें अवगत कराऊं कि 10 के सिक्के नहीं चलते हैं, इनसे कितनी तकलीफ़ हो रही है लोगों को। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, इससे क्या नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।